साइंटिस्ट मेरी बात सुनो, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करो जिससे किसी भी इंसान में ताकत आ जाए और वो बस मेरी बात सुने, जैसा मैं कहूँ वैसा करे। तुम्हें तो पता ही होगा मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करवा के रहता हूँ, और अगर मेरा काम ना हो तो तुम्हें तो अंजाम पता ही होगा। नहीं सर, ऐसा मत करना, ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है और इसके लिए हमें एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी, और समझो किसी की बॉडी मिल भी गई तो कोई भरोसा नहीं है वो इंसान इस एक्सपेरिमेंट को झेल पाएगा या नहीं। फिर भी हम अपनी ट्राई करेंगे। बॉडी की चिंता तुम मत करो, मेरे पीछे जो ये चिंटू मिंटू खड़े हैं, ये तुम्हें बॉडी लाकर दे देंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? जी मालिक, बिल्कुल सही कहा। ठीक है सर, आप जैसा कहिए, हम एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं, आप हमें बॉडी ला कर दीजिए, पर हम इस बात की कोई गारंटी नहीं लेते। प्लीज अगर ये एक्सपेरिमेंट पूरा ना हो तो हमें कुछ करना मत। बात की बाद में देखी जाएगी, फिलहाल जितना कहा है उतना करो, मेरा काम हो जाना चाहिए, जितनी ट्राई करनी है करो। एक बार ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ सर, आपने एकदम ठीक कहा। गाइस यार, आज हम लोग जाएंगे बाहर घूमने। एक मिनट, अबे यार, मैं तो इन दोनों को बाहर घुमाने लेकर जाने वाला था और ये तो घोड़े बेच के सो रहे। शिनचैन चौप यार, उठ जाओ, ये कोई आराम करने का टाइम है। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, हमें यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्या बोलते हो चौप, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, मेरा तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फ्रैंकलिन भैया, आप भी आके यहाँ पर सो जाओ, मुझे भी कहीं पर नहीं जाना, मैं तो घर पर ही रहूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ तैयार होने, तब तक उठ जाना वरना सीधा पानी मारूंगा मुंह पर। गाड़ी के पास तैयार होके खड़े रहना। तो चलो गाइस, सब लोग तैयार हो चुके हैं, अब फटाफट कहीं पर घूमने जाते हैं। वैसे फ्रैंकलिन भैया, हम लोग जाएंगे कहाँ पर? अरे कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी, तब तक तुम लोग भी सोचो, सारे काम मैं ही करूँ। अरे तो घूमना भी तो आपको था ना, तो आप ही सोचो। वाह, जैसे तू तो वहाँ मजे करेगा ही नहीं। ठीक है छोड़ो फिर, मैं तो सोच रहा था तुझे चौको चिप दिलाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, बीच पर चलते है ना, या फिर पहाड़ों पर? देखा देखा लालची, अब कैसे आइडिया दिया। अरे नहीं नहीं, हम लोग पहाड़ों पर नहीं जाएंगे, बीच ही पर चलते हैं, मुझे पहाड़ों में डर लगता है। देखो बॉस ने हमें कहा एक बॉडी लाने, यहाँ बहुत सारी गाड़ी आती जाती रहती है, अब जो भी गाड़ी आएगी मैं उसे उड़ा दूंगा, फिर उसके अंदर जो भी होगा हम उसकी बॉडी लेकर चले जाएंगे, बस गाड़ी का इंतजार करना है। एक मिनट, मुझे गाड़ी की आवाज आ रही है, पक्का वहाँ से कोई आ रहा है, वो रही गाड़ी, और ये लगाया निशाना, बूम। बॉस मुझसे बहुत खुश होंगे, जल्दी से चलो उस गाड़ी के पास। ये क्या, हमें तो एक जन चाहिए था, यहाँ तो तीन तीन लोग बेहोश पड़े हैं, पर बॉस ने एक ही आदमी मंगाया था तो हम एक ही लेकर जाएंगे, जो सबसे बड़ा है। जल्दी से इसे गाड़ी में डालो। ये लो बॉस ने जैसा कहा था, मैं तुम्हारे लिए बॉडी ले आया हूँ। ठीक है ना बॉस, मैंने अपना काम कर दिया? हाँ एकदम ठीक है। बस चिंटू पिंटू, तुम अभी निकल सकते हो। ठीक है बॉस, हम यहाँ से जाते हैं। साइंटिस्ट मेरी बात सुनो, जल्दी से एक्सपेरिमेंट शुरू करो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं भी तो देखो तुमने क्या रिसर्च की है, इसे इतना ताकतवर बना दो कि जिसे भी मैं कहूँ ये उसे बर्बाद कर सके। चलो जल्दी से शुरू करो, मेरा मुंह मत देखो। ठीक है सर, हम शुरू कर रहे हैं। आखिरकार एक्सपेरिमेंट शुरू हो ही गया, अब आएगा असली मजा। ये इंसान मेरा गुलाम बनने वाला है, जैसा मैं कहूंगा वैसा होने वाला है। जल्दी जल्दी करो, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसकी बॉडी इतनी ताकत झेल पाएगी, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है, थोड़ा संभल कर ही करना, हमने डोसेस भी बढ़ा दिए है। अरे सर, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, हद से ज्यादा, मुझे लगता है हमें दूर हट जाना चाहिए। हाँ एक काम करो, जल्दी से दूर हट जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे बाप रे, इसकी बॉडी में से आग कैसे निकलने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो गया, ये तो किसी काम का नहीं निकला, तुम लोगों से एक काम नहीं हुआ। सर हमने पहले ही कहा था कि एक्सपेरिमेंट कोई बॉडी झेल नहीं पाएगी, आप ही हमारी बात नहीं मान रहे थे। ये क्या, ये तो पूरा जल चुका है, मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं, मार्केट में सबको पता चलना चाहिए कि जो मेरा काम पूरा नहीं करता उसके साथ मैं क्या करता हूँ। तुम तीनों उदाहरण बनोगे, गलती तो तुमसे हुई है और मुझे निराशा बिल्कुल पसंद नहीं। सर प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, हमें जाने दीजिए, ये हमने जानबूझकर नहीं किया, ऐसा होना ही था। हाँ तो फिर ऐसा भी होना था, ये लो सबको मार दूंगा और ये भी गया। फालतू ही अपना टाइम वेस्ट किया, चलो यहाँ से, हमें किसी और साइंटिस्ट को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। गाइस यार, मेरा सर घूम रहा है, ये सब हो क्या रहा है? एक मिनट, ये मैं कहाँ पर हूँ? अबे यार, ये कौन है तीनों जन जो ऐसे पड़े हुए? मैं कहाँ पर हूँ? शिनचैन चौप कहाँ पर है? मैं तो बाहर घूमने निकला था, यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिनचैन,
चुप। अबे यार वो लोग कहाँ हो सकते हैं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा, पक्का कुछ तो गड़बड़ चल रही है। शिनचैन चुप, तुम लोग यहाँ पर हो क्या? मुझे नहीं लगता गाइस वो लोग यहाँ पर है, बाहर जाकर देखता हूँ। यार किसका फोन आ रहा है? अननोन नंबर। मेरी बात सुनिए, आपका नाम फ्रैंकलिन है? हाँ हाँ मेरा नाम फ्रैंकलिन है। यहाँ पर दो जन बेहोश पड़े है, एक कुत्ता है और एक बच्चा है। हाँ मैं उनका ही भाई हूँ। वो लोग कहाँ पर है आप मुझे बता सकते हो? वो लोग हमारे हॉस्पिटल में है, आप जल्दी से आइए। आप लोकेशन भेजिए मैं पहुँचता हूँ। गाइस यार कैसे जाओ कैसे जाओ। वाह एक दीदी खड़ी है, एक काम करता हूँ इनकी गाड़ी लेकर जाता हूँ। अब इमरजेंसी है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ गाइस। चालू हो जा इससे पहले दीदी को पता चले। चलो चालू हो गई, माफ कर देना दीदी पर बहुत जरूरी है, मुझे लेकर जाना होगा। चलो गाइस फटाफट से चलते उस हॉस्पिटल में। बस यार वो दोनों जन ठीक हो, ये आइडिया ही बेकार था, ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। चुपचाप शिनचैन और चॉप ने मना किया था, मुझे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। ना हम लोग घर से बाहर निकलते ना ये सब होता। अब फिलहाल तो मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है। तो गाइस हॉस्पिटल तो यही था, वो लोग कहा है ये रहे दोनों जन। अब यार इन दोनों की तो हालत खराब लग रही है, डॉक्टर इन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? प्लीज मुझे जल्दी से बताइए, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अरे हाँ तुम चिंता मत करो, ये दोनों जन ठीक है, खाली बेहोश हुए है। तुम्हारी गाड़ी को रास्ते में किसी ने उड़ा दिया था, और सुनने में आया है वो इस शहर का सबसे बड़ा डॉन है, पर उसने तुम पर हमला क्यों किया? तुम कहीं उसके दुश्मन तो नहीं? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ। मुझे तो अभी पता चला कि मेरी गाड़ी को किसी ने उड़ा दिया था, क्योंकि जब मेरी आँख खुली थी मैं किसी अजीब सी जगह पर था। ओ ऐसा क्या? जब इन दोनों को होश आ जाएगा आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, ये कंप्लेन तो करनी पड़ेगी गाइस, किसी ने हमारी गाड़ी उड़ा दी। अब वो भले कितना भी बड़ा डॉन हो, सजा तो उसको मिलेगी। माफ कर देना अंकल, आज सबसे माफी मांग रहा हूँ, सबकी गाड़ी लेकर ही भाग रहा हूँ। वो वाली गाड़ी पता नहीं मैंने कहाँ पार्क कर दी है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, इतनी घाई घाई में निकला था मैं चिंता के मारे। अब गाइस यहाँ से जाएंगे सीधे पुलिस स्टेशन और उस डॉन को सबक सिखाएंगे। जब उसको पुलिस पकड़ के डंडे लगाएगी ना तब उसे पता चलेगा, जितनी खतरनाक सजा हो सके ना उतनी खतरनाक सजा दिलवाऊंगा। चलो गाइस हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सर मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है, यहाँ पर लिखवा सकता हूँ या फिर कोई और लिखेगा? वह पीछे सर खड़े है, वह जाओ। अच्छा ठीक है चलो गाइस, ये सर के पास जाते हैं। बस ये हमारी मदद कर दे यार। सर मेरी बात सुनिए, मुझे इस शहर के सबसे बड़े डॉन के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है, उसने रास्ते में मेरी गाड़ी उड़ा दी थी जिसमें एक छोटा बच्चा भी था और एक कुत्ता भी। ये क्या बोल रहे हो तुम, शोर तो हो ना, वो तुम पर हमला क्यों करेगा? अरे सर किया है तभी तो कंप्लेन लिखवाने आया हो ना, आप बस कंप्लेन लिखिए और उसे पकड़ कर लाइए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ठीक है तुम जाओ अभी। अरे बाप रे मुझे सर को बताना पड़ेगा कि उनके खिलाफ कंप्लेन आई है, जल्दी से फोन करता हूँ। हाँ बोलो ऑफिसर। सर मेरी बात सुनिए, यहाँ कोई तो आया था आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाने, उसने कहा कि आपने उसकी गाड़ी उड़ा दी थी और उसमें छोटा बच्चा भी था, अगर ये बात बाहर फैल गई तो आपके पीछे बहुत सारी पुलिस लग जाएगी। तो फिर उसकी कंप्लेन लिखी मत। नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तभी मुमकिन है या तो वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले या तो फिर वो बचे ही ना। हाँ तो तुम्हें पता है क्या करना है? अच्छा ठीक है, मैं पूरी फोर्स को लगा देता हूँ उस लड़के को मरवाने में। चलो गाइस कंप्लेन तो लिखवा दी है मैंने, अब जल्दी से उसे पकड़ ले पुलिस। एक मिनट, इतने सारे सायरन की आवाज और ये सब लोग इसी साइड क्यों आ रहे हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है गाइस, ये लोग तो हमें गोली मार रहे हैं। अरे पागल हो गए हो क्या, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। मुझे गोली मत मारो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओह गाइस ये क्या हो रहा है, मुझ पे तो आग लग गई है पर जलन क्यों नहीं हो रही? ओ भाई साहब ये कोई मामूली आग नहीं है, हमारे अंदर पावर आ गई है, मैं तो आग के गोले भी फेंक सकता हूँ। अब तो इन पुलिस वालों को छोड़ूंगा नहीं, ये पक्का उस डॉन के साथ मिले हुए। अब तो मैं कंप्लेन भी नहीं करवा सकता, कहा जाओ न्याय के लिए, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मिले हुए। हमें अच्छे पुलिस वालों की जरूरत है, तुम जैसे लोगों की नहीं, सबको जला के खाक कर दूंगा, ये लोग इतना जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर भी है तेरी तो मैं ये ले। ओहो यहाँ पर आप, इतने आसानी से मैं मरने वाला नहीं हूँ। पता नहीं गाइस आज क्या क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो इन सबको तो सबक सिखा दिया है, ये लोग तो हमारी मदद करने से रहे, मुझे ही जाके उस डॉन को मारना होगा। जल्दी से इनकी गाड़ी लेकर जाता हूँ। ओ भाई साहब मैं तो जिस गाड़ी में बैठ रहा हूँ ना उसके टायर में से भी आग निकल रही है, बस ये ब्लास्ट ना हो जाए उसी चीज का डर है मुझे। मेरे सामने जो भी गाड़ी आती है वो अपने आप उड़ जाती है, ये पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बस इससे मुझे कोई नुकसान ना हो। चलो गाइस उसकी लोकेशन मिल गई है, इस गाड़ी में रिकॉर्डिंग वगैरह सब पड़ी हुई है, शायद इसने उससे ही कॉन्टेक्ट किया होगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब जल्दी से जल्दी पहुंचते और जाके उसकी पुंगी बजाते हैं। तो गाइस यही वो घर है जहाँ की लोकेशन थी, अब फटाफट अंदर जाते, वो बस यहाँ पर हो वरना हमारा पोपट हो जाएगा। ओ देखो तो जरा उसके चमचे मिल गए गाइस, इन चमचों को तो अभी मैं जला कर राख करता हूँ, क्यों फालतू में अपनी जान गंवाना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। मत मानो मेरा क्या है, तुम्हारे बॉस के साथ तुम भी मरोगे। चलो गाइस यहाँ तो सफाया हो गया, अब ये लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओहो हो अंदर साइड और भी है, कोई बात नहीं सबके सब जलोगे। और ये खाओ, क्या झटका पड़ा है, यहाँ पर भी है क्या, तू भी खा। ये आग वाली चीज कमाल की है यार। चलो 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 जा यहाँ से,
वहाँ पर भी एक है, तू भी जा। अबे यार और कितने हैं? लगता है सच्ची में बहुत बड़ा डॉन है। अब शहर का सबसे बड़ा डॉन बोले तो बड़ा ही होगा, पर बहुत जल्दी ये छोटा होने वाला है। इसके पास कोई नहीं बचेगा जो इसे बचा सके, क्योंकि सब तो यहाँ चल के खाक हो रहे हैं। इसकी रक्षा कौन करेगा? माफ कर देना दोस्त, पर गलत राह पर था तू। चलो अब जल्दी से जाते गाइस इधर। कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है? सामने आ डरपोक। ओ वहाँ कोई तो है। एक मिनट, ये तो वही ऑफिसर है ना जिसको मैंने कंप्लेन लिखवाई थी। ये भी बिका हुआ है। सर आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो आपके भरोसे आया था, आप भी इसके साथ मिले हुए हो। एक मिनट, तुम जिंदा बच गए तो कंप्लेन इसने लिखवाई थी, इसका मतलब इसके पास ताकत आ गई है। मेरी बात सुनो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, पर तुम मेरे लिए काम करोगे जैसा मैं कहूंगा वैसा। हाँ हाँ मान जाओ, तुम माला माल हो जाओगे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। सर तुम्हें सब कुछ दे देंगे जैसे मुझे देते आए है। हाँ ऑफिसर एकदम सही बोल रहे हैं, मैं सबकी इच्छाएं पूरी करता हूँ, और वैसे भी शहर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, सारे काम मेरे अंडर ही होते हैं। तुमको क्या लगता है अभी भी मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की है, ये लो दोनों के दोनों जल के खाक हो जाओ। आए बड़े मुझे खरीदने वाले। चलो गाइस अब जाना है शिनचैन शॉप के पास, पता नहीं उन्हें होश आया होगा या नहीं। जल्दी जल्दी चलते हैं यार, फाइनली कम से कम बदला तो ले लिया, अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा। एक मिनट, ये कौन खड़ा है यहाँ पर? एक आदमी बच गया था क्या? नहीं, मैं नर्क से आया हूँ, मैं हूँ नर्क का राजा, तुम मुझे शैतान भी बोल सकते हो। तुम्हें मैंने ही जिंदा किया था और पावर भी दी थी, तभी तुम यहाँ पर खड़े हो और अपना बदला ले पा रहे हो, वरना तुम जिंदा नहीं बचते। अच्छा तो आप वो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। अगर आप नहीं होते तो सच्ची में मैं जिंदा नहीं होता और ये बदला नहीं ले पाता। हर चीज की कीमत होती है, मैंने तुम्हें ऐसे ही जिंदा नहीं किया, एक मकसद से किया था। नर्क से एक शैतान भाग गया है, तुम्हें उसे पकड़ कर लाना है, तभी मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ। अरे नहीं नहीं मैं काम करूंगा। ओ गाइस ये तो चला गया। देखो हमें उसका काम तो करना पड़ेगा, अब जाके उस शैतान को ढूंढते, पता नहीं कहाँ होगा। आधा शहर ढूंढ लिया यार, पैर दुखने आ गए, कहाँ मिलेगा? ओ आउच, अब ये कौन है? मुझे लगता है यही वो है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। कैसे भी करके इसको हरा दूं, हमारा काम पूरा हो जाएगा। तेरी तो ओ आउच, बहुत जोर का मारा रे। ओ भाई 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 आउच आउच, एक बार बस उठने दे फिर बताता हूँ तुझे। चलो गाइस पकड़ तो लिया, तेरी तो या हो, क्या उछाला है यार, बहुत हो गया इसका। इसको बताता हूँ मैं, ये ले और ये खा। हाँ नहीं तो मेरी कैद से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मुझे लगता है हमने इसको हरा दिया है, अब ये जाएगा वापस से नर्क में और मुझे जाना पड़ेगा शिनचैन चौक के पास। तो गाइस जब तक मैं जाता हूँ, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।